हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले एवेंजर्स टीम की, जिसका नाम है एवेंजर्स 1 बिलियन BC। हम ये जानेंगे कि ये टीम में कौन से मेंबर्स थे और ये सब क्यों इकट्ठा हो गए थे, और इवन हम इन सब के एक छोटे ओरिजिन के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। एवेंजर्स 1 मिलियन BC का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था मार्वल लेगेसी /1 में नवंबर 2017 में। ये तब की बात है जब सेलिस्टियर और डार्क सेलिस्टियर्स के बीच में वॉर चल रहा है, और न्यूयॉर्क सिटी और अर्थ के बहुत सारे जगह में सेलिस्टियर हवे में मर के गिर रहे होते हैं। ये सेलिस्टियर के मौत के सबकी कारण है लोकी, जो हॉप के इन्फेक्टेड हुए बहुत साल पहले। सेलेस्टियल जब अर्थ में आए थे और हॉप से इन्फेक्टेड हुए थे, वो सेलेस्टियल प्रोपेगेंडर वो अभी अफ्रीका बन चुका है, और जिससे ढूंढते हुए एक और एक सेलेस्टियल आया था, वो हॉप से इन्फेक्ट होके नॉर्थ पोल के ओशन के अंदर दब चुका था। उसे लोकी ने वापस ज़िंदा किया और हर एक सेलेस्टियल की मौत करने का इंतज़ाम कर रहा है। अगर आपको सेलेस्टियल्स और हॉप इन्फेक्टेड के बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरी सेलेस्टियल वाली वीडियो देखिए, उसमें इन सेलेस्टियल के बारे में सब डिटेल में बताया दिया है। अब आते हैं एवेंजर्स 1 मिलियन BC की टीम के दौर। ये टीम अब हुआ ही था सेलेस्टियल्स के लिए। सेलेस्टियल जब अर्थ में आके हॉप से इन्फेक्टेड हुए, तो एक सेलेस्टियल उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिफ्रैक्ट हो गया था और अर्थ को तबाह करने में तुल गया था। वही सेलेस्टियल जिसने लोकी ने प्रेजेंट में अभी ज़िंदा किया है। अब हम एवेंजर 1 मिलियन BC के टीम मेंबर्स के बारे में जानेंगे। टीम के पहले मेंबर है अगामोटो, जो डार्क डायमेंशन से लड़ता था डोरमामू और बहुत सारे एंथ्रेंस से। वो पहला सॉक्सर सुप्रीम था जो डार्क डायमेंशन से लड़ता था, और वही आई ऑफ अगामोटो जैसे आर्टिफैक्ट्स बना के जो अभी डॉक्टर स्ट्रेंज यूज़ करता है। अगला मेंबर है आयरन फिस्ट। ये लेडी आयरन फिस्ट है, और वो इस अर्थ की मतलब मिलियन साल पहले की पहली आयरन फिस्ट है वो। अगला मेंबर है लेडी फिनिक्स। हम ऐसे भी कह सकते हैं ये फिनिक्स की पहली होस्ट है अर्थ में, और अर्थ 616 के एवेंजर्स 1 मिलियन BC के टाइम द्वारा। अगला मेंबर है गोस्ट राइडर 1 मिलियन, जो इस अर्थ का फर्स्ट गोस्ट राइडर है। अगला है ब्लैक पैंथर, जो वकांडा का पहला राजा है। जैसे आपको पता है वकांडा का राजा को ब्लैक पैंथर ही कहा जाता है। अगला मेंबर है स्टार ब्रांड, जो अर्थ 616 का पहला स्टार ब्रांड है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। अगला और आखिरी मेंबर है जो एवेंजर्स टीम के लीडर है, वो है एसगार्डियन ओडिन। एवेंजर 1 मिलियन BC का बस एक ही मकसद रहता है, अर्थ को बचाना सेलेस्टियल्स से। जब सेलेस्टियल सब आ जाते हैं और अर्थ में सेलेस्टियल का ध्यान आता है, तो बहुत सारे सेलेस्टियल अर्थ में आके हमला करने लगते हैं, और ऑलमोस्ट एवेंजर्स 1 मिलियन BC उनके सामने हार जाते हैं। बट अचानक ही हर एक सेलेस्टियल भाग जाता है। एक्चुअली सेलेस्टियल हॉप से इन्फेक्ट होने से डरते हैं, और इवन दो सेलेस्टियल की मौत ऐसी ही हुई है, तो सेलेस्टियल इस चीज़ से दूर ही रहते हैं। और गाइस, यही थे एवेंजर्स 1 मिलियन BC के ओरिजिन और पावर्स और मेंबर्स के बारे में। अगर मार्वल कॉमिक्स इसके ऊपर आगे कॉमिक्स बना रही है, तो मैं वीडियो बना के पोस्ट ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ज़्यादा ही पसंद आया तो शेयर कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ कल और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।